Hello students, yesterday I taught you the exercises of chapter 2, name is The Pied Piper of Hamelin. Word meaning, charming, very pleasant and lovely. तो ये वाले हमने सारे आपको वर्ड मीनिंग कल आपके हो गए हैं, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग हम लोगों ने कर लिया था, मैंने कहा था कि मैच द फॉलोइंग आप इसी के सामने ही लिखिएगा, ठीक है। जो करेक्ट वर्ड है उसी का मैच द फॉलोइंग उसके सामने ही लिखेंगे। तो दो आपके हो गए हैं, एक्सरसाइजेज हो गई थी यस्टरडे, वर्ड मीनिंग एंड नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। आज है आपका स्टार्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें राइट आंसर ही मैंने लिखा है, इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ओके। इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इसका जो राइट आंसर है वही लिखा है। और राइट आंसर ब्लैक पेन से ही लिखिएगा, ये ब्लू पेन से, ठीक है। हेडिंग मैंने आपको पहले ही बताया है, हेडिंग आप अपनी ब्लैक पेन से लिखेंगे, ओके। सो लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ 2nd, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द पीपल ऑफ हैमलिन वर टोटली फेड अप विद द, हैमलिन की जो व्यक्ति हैं, हैमलिन के जो लोग हैं वो किससे टोटली फेड अप थे, रैट से। यस, दिस इज द राइट आंसर, रैट। Second is, the pied piper went to the mayor to collect his, pied piper mayor के पास गया क्या collect करने के लिए अपना, जब उसने rats को भगा दिया था तो अब वो इसके लिए क्या लेने गया था mayor से, yes, reward। reward means क्या होता है, इनाम, अपना prize money लेने गया था mayor के पास, okay। तो द करेक्ट आंसर इज रिवार्ड। थर्ड है, द पाइड पीपर केम इन द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड प्लेइंग हिज, क्या क्या बजाना उसने शुरू कर दिया था, स्टार्टेड प्लेइंग हिज मैजिकल पाइप, अपनी जादुई पाइप बजाना उसने, मैजिकल पाइप बजाना उसने शुरू कर दिया था। कब, द पाइड पीपर केम इन द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट में गया, गॉट इट। द करेक्ट आंसर इज मैजिकल पाइप। एंड सेकेंड, फोर्थ है, 500 ईयर्स एगो देयर लिव्ड पाइड पीपर इन द सिटी ऑफ हैमलिन, ठीक है। 500 साल पहले कौन रहता था, कहाँ रहता था पाइड पीपर, हैमलिन की किस सिटी में रहता था, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी की हैमलिन सिटी में, ओके। तो सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी, इस पर मैंने लिखा और ब्लॉग बना के इसमें टिक मार्क लगा दिया। सो योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, द मेयर पेड द पाइड पीपर डैश, मेयर ने पाइड पीपर को कितना दिया, जब उसने बच्चों को केव से बाहर निकाला तो मेयर ने उसको जो प्रॉमिस, जो पाइड पीपर ने मांगा था अपना रिवार्ड, कितने का मांगा था, 1000 ग्लिडर्स, ओके। मैंने बताया था ग्लिडर्स का मीन, ग्लिडर एक सिल्वर और गोल्डन कलर के क्वाइन होते हैं जो कि जर्मनी में चलते हैं, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, ओके। सेक फर्स्ट है, अब क्वेश्चन थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, इसमें आपका हेल्पिंग बॉक्स नहीं दिया है, आपको ऐसे ही वर्ड्स को फिल करना है, ठीक है। अब आप बड़ी क्लास में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे जो ये हेल्पिंग बॉक्स वगैरह इसका अब आपके आगे के उसमें नहीं आएगा, अब आपको अपने से ही इसको समझ के फिलअप करने हैं। फर्स्ट है आपका, 500 ईयर्स एगो देयर लिव्ड अ पाइड पीपर इन द सिटी ऑफ हैमलिन,
मैंने कहा है इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिख करिएगा अंडरलाइन करके, ओके। कुछ बच्चे आंसर ब्लैक पेन से लिखते हैं और क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखते हैं, आंसर इससे ब्लू पेन से, तो ये नहीं सही लगता है, डजंट लुक नाइस। आप ब्लू पेन से ही लिखिए और इसको फिल जो है, फिल इन द ब्लैंक्स का जो कॉलम है उसको ब्लैक से करिए, ओके। 500 साल पहले एक पाइपर नाम का व्यक्ति रहता था सिटी में, हैमलिन सिटी में, ओके। सेकंड, इन द सिटी ऑफ हैमलिन देयर वर सो मेनी रैट्स, ओके। सिटी हैमलिन सिटी में बहुत सारे क्या थे, चूहे थे, ठीक है, जिनको पाइप पेपर ने मैजिकल पाइप से भगाया था, गॉट इट। लास्ट थर्ड इज द पाइप पेपर अप्रोच द डैश, डैश मतलब इसमें आपके दो फिलप्स हैं, ठीक है, अप्रोच द मेयर एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड गेट रिड ऑफ द रैट्स फॉर डैश ग्लिटर, कितना, हाउ मेनी, 1000, ठीक है। तो इसमें आपके दो फिलप्स हैं, एक इधर आपको मेयर को फिल करना है, मेयर फिल करना है, और एक इधर आपको 1000, गॉट इट। अब क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट है, अभी आपका मैंने एक ही क्वेश्चन आंसर करवाया है, बाकी आपको नेक्स्ट डे मैं करवाऊंगी, ठीक है, सारे ऑल क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी ऑफ जर्मनी डिड पाइप पेपर बिलोंग्स टू, सेम वही क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ जर्मनी डिड पाइप पेपर बिलोंग्स टू, द पाइप पेपर बिलोंग टू द सिटी ऑफ हैमलिन ऑफ जर्मनी, गॉट इट। बहुत ही ईजी इसके क्वेश्चन आंसर है, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही कराया है, नेक्स्ट डे आपको मैं ऑल क्वेश्चन आंसर आपके करा दूंगी। सो नाउ आफ्टर दैट आपकी एक्सरसाइजेज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, ओके।